अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हुमैरा हुसैन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तरक्की की बातें। तो जनाब, हमने आज आपके लिए काफ़ी डिफरेंट किया है क्योंकि आप लोगों ने कहा तरक्की की बातें तो होती हैं लेकिन आप स्टूडियो में बैठ के करते हैं। तो हमने सोचा कि आज हम आपको रावल लेक पर लेकर चलते हैं, जिसके इर्द गिर्द तीन देहात सामने हमारे है मलिकवाल, उसके बाद है बनीगाला और उसके बाद है लखवाल। तो जनाब, हम आपको कश्ती की सैर भी कराएंगे और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ भी दिखाएंगे और यहाँ पर अगर तरक्की के हवाले से जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए जनाब, आइए कश्ती की सैर करते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस टाइम हम मौजूद हैं बोट में और हम यहाँ पे जो लेक है इसको देख रहे हैं। पीछे हमारे एक खूबसूरत सा आइलैंड है और अब हम तलाश में हैं बर्ड्स की कि हमें बर्ड्स मिले तो हम आपको दिखाएं। तो जहाँ पर हम आपको यहाँ की खूबसूरती दिखा रहे होंगे, वहाँ पे हम ये भी बता रहे हैं कि जो रावल लेक का माहौल है वो भी इंसानों की इंटरवेंशन की वजह से काफ़ी आलूदा हो चुका है। जैसे हमने किनारा पार्क बनीगाला की साइड से इसके ऊपर एंट्री ली तो बहुत खूबसूरती थी, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा भी था। मेरा ख्याल है जो लोग यहाँ आते हैं वो अपना कचरा फेंक कर चले जाते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक आइलैंड के अंदर हैं और इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत मंजर मिल रहा है रावल लेक का, लेकिन उसके साथ जो हम अंदर एंटर होते हैं आपको यहाँ से जो ट्रैश नजर आता है ये आपकी तमाम जो खूबसूरती है इसको खत्म कर रहा है। ना सिर्फ खूबसूरती को खत्म कर रहा है बल्कि ये माहौल को खत्म कर रहा है। और इस दफा मुझे कुछ लोग यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर बर्ड्स भी बहुत कम आए हैं रावल लेक में, क्योंकि यहाँ पर सीजनल माइग्रेटरी बर्ड्स जो है ना हर साल बहुत ज्यादा आते हैं। तो हमें पता चला क्योंकि यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है हैबिटेट और यहाँ पे जो जंगल है वो भी कम हो रहा है, और उसके साथ ये जिस तरह का ट्रैश है इसकी वजह से भी जो है ना परिंदों ने यहाँ पर आना कम कर दिया है और हंटिंग भी सुना है काफी हो रही है। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीजें जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की जरूरत है, ताकि पानी जो जिंदगी है और ये वो रिजर्वायर है जहां से हम इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को पानी फराहम करते हैं। ये देखे जब मैं चल रही हूँ तो मेरे पाँव के नीचे बोतलें आ रही है। तो ये वो मनाजिर हैं जो काफी खौफनाक भी हैं, क्योंकि कुदरत के जो हुसन है उसको एंजॉय करना चाहिए। ये नहीं कि आप एंजॉय करके चले जाएं और बाकी आने वाले जो लोग हैं वो उसको एंजॉय ना कर सकें। तो नाज़रीन, आप हमारे सामने देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत दरख्तों का झुंड है इस तरफ, और अभी यहाँ पर हमने मुख्तलिफ परिंदे देखे, जिस तरह के मुर्गाबी की एक किस्म है जिसको जंगली मुर्ग भी कहते हैं यहाँ पर, और सुना है कि खाने में काफी लजीज होता है लेकिन आई डोंट नो। तो नाज़रीन, इस वक्त हम एक खूबसूरत पाइन ट्रीज के बंच के अंदर है और यहाँ की ब्यूटी जो है हम इसको इंजॉय कर रहे हैं। आते हुए हमें रास्ते में क्रेन्स भी नजर आए और मुर्गाबी भी नजर आई, और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह जाते हुए वापसी में कैमरे में उसको हम कैप्चर कर लें। तो ये जो खूबसूरत जगह है ये बेसिकली पानी की वजह से हैं, और पानी ये वो रिजर्वायर है रावल लेक जहाँ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को पानी जाता है पीने के लिए। तो हमारी ये ख्वाहिश है, जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है, कि पानी के जो जखायर हैं उनको आलूदा ना किया जाए, उनको साफ सुथरा रखा जाए, उनकी खूबसूरती को मेनटेन किया जाए ताकि साफ सुथरी हयात जो है कायम दायम रहे। आपके सामने हम दिखा रहे हैं स्पिल वेज हैं जी रावल लेक के, और ये उस वक्त खोले जाते हैं जब लेक में जो गुंजाइश से ज्यादा पानी आ जाता है, और स्पिल वेज इसलिए खोल दिए जाते हैं ताकि पीछे जो आबादियां हैं उनको बचाया जा सके। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद है लारैब। तो अस्सलाम वालेकुम लारैब, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जगह बहुत बहुत खूबसूरत ये जगह है, इस्लामाबाद में बहुत पुरसकून जगह है, और इस वक्त हम बोट में बैठ के इधर इन्वायरमेंट देख रहे हैं। खास तौर पे बड़ा नेचुरल इनहेबिटेंट जो है यहाँ पे, जो प्रिजर्व है,
लेकिन देयर आर थिंग्स आई वांट टू टॉक. या आई नो, क्योंकि अभी हम रास्ते में जब देख रहे थे किनारों पे भी कचरा नजर आया, आइलैंड्स में भी कचरा नजर आया, तो आप क्या समझती हैं कि इसकी प्रिजर्वेशन के लिए क्या करना चाहिए? प्रिजर्वेशन से पहले अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा यहाँ पे, या कोई ऐसे साइन बोर्ड्स नहीं लगाए जाएंगे, यहाँ के लोकल लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा जो यहाँ पे लोगों को बताएं कि इस जगह का साफ रखना कितना ज़रूरी है, ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जो इधर जानवर हैं, जो परिंदे हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो उनका भी यही नेचुरल हैबिटेट है. तो यहाँ पे सिविलियंस, जो सिविल सोसाइटी है, उनको चाहिए कि वो वीकेंड टू वीकेंड आएँ और क्लीनिंग ड्राइव्स करें, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, और फिर ऐसा कोई परमानेंट सिस्टम करें कि फिर लोग वापस वो गन ना फेंके, क्योंकि एक फिर आप क्लीनिंग करते हो फिर वो गन फेंक देते हैं. और बस पानी जो है वो साफ होता है, लेकिन क्योंकि वो कितना कूड़ा जब चला जाता बिल्कुल है, बिल्कुल ये पीने का पानी है, बिल्कुल ठीक है. तो मेरा ख्याल है कि हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, और सिविल सोसाइटी को जहाँ ना सिर्फ काम करने की जरूरत है गवर्नमेंट के साथ मिलके, बल्कि वॉच डॉग का रोल भी परफॉर्म करना चाहिए, ताकि जो कूड़ा है ना, इसकी जो मुसलसल यहाँ पे जो फेंकने का अमल है, उसको रोका जाए. ये था हमारा रावल लेक का एक मुख्तसर विजिट. उम्मीद है आपने इसकी खूबसूरती को इंजॉय किया होगा. आखिर में एक मुख्तसर पैगाम, ये झील अतिया खुदाबंदी है, इसका ख्याल रखिए. हमारे प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.